हाँ हेलो, हेलो, मैं फारूक बोल रहा हूँ। और अभी जिस बुड्ढे का जो है फोटो जिस पेपर में छपेला है, वो बुड्ढा हमें मिल गया है। क्या? पापा मली गया? खुदा है, थैंक यू गॉड। हाँ मिस्टर फारूक, देखो मेरा बात ध्यान से सुनो। वो जो अंकल है ना, वो मेरा पापा है। आप उसको संभाल के ना मेरे पास लाइए वो। हाँ प्लीज। लाता हूँ सेठ, लाता हूँ। पहले मंटाल की बात तो कर ले। मन क्या? व्हाट? अरे माल पैसा, इनाम कितना मिलेगा हमें? गॉड, कितना मिलेगा? 1,00,000 आप भी देनी। ओके, हम हमको 1,00,000 दे सकता है। 1,00,000? कितना बोला? 1,00,000। हेलो, एक मिनट। हेलो, सू थे? अरे फोन काट दिया। पन पूछने का ना, काई को काटा घर है। ओल्ड मैन, डोंट यू माय ब्रेन्स। हाँ, 1,00,000 यानी 25,000 तुम्हारे हैं, और 5,000 वो पीले कुर्ते अंदीप को दे दूंगा, और 15,000 वो ब्लू शर्ट विलियम को दे दूंगा। तो 15, 5, 20, 25, 45 यानी 55,000 मेरे। क्या है ना कि बुड्ढा ये उसी का है, उसी का है। हेलो हेलो मिस्टर फारूक। हेलो, क्या है ना कि हम आपको 5,00,000 दे सकता है। पानोटी, मुसीबत, कंफ्यूजन शुरू हो गया था। एक बाजू फारूक इनाम के पैसे का शेयरिंग कैलकुलेशन के वजह से फोन काटता गया, दूसरी बाजू नरीमान ये सोच के इनाम का पैसा बढ़ाता गया कि शायद फारूक को 1,00,000 रुपया कम लगता था। बस इसी चक्कर में मेरे ऊपर रखा रिवॉर्ड मनी गरीब टैक्सी वाला की उम्मीद से जास्ती हो गया। इसीलिए कहते हैं बम्पर ड्रॉ। हे यू, फारूक या जो भी नाम है तेरा, मेरा आखिरी ऑफर है 50,00,000 रुपये, 50,00,000। अगर ये ऑफर मंजूर है तो वापस से फोन करना, वरना भाड़ में जा। मेरा पप्पा को ले आने का और भी तरीका है मेरे पास। ओके, बाय। की होया डील कैंसल? वो अपने गले का वॉल्यूम तो बढ़ा। 50,00,000 दे रहा है। या अल्लाह, तूने मर दिया फारूक का गल्ला। कहाँ था तू? अरे यार, और ये क्या होलिया बना रखा है? अरे तो हुलिया तो चेंज करूंगा ना, आई डोंट वांट टू एक्सपोज माय सेल्फ। किसी ने पकड़ लिया तो? अबे गोली किसी का हुलिया नहीं पूछती। तूने इसके भाई को फोन किया या नहीं किया यार? ओ, मैं इसके भाई को फोन क्यों करूंगा? डॉन। ओ डॉन, हां डॉन को तो फोन करना पड़ेगा। हां सर। क्या सर? अबे आए बे तू। अरे मैं वहीं खड़ा हूं जहां मैंने तुझे बुलाया था। ओ हम भी तो यहीं हैं, तू कहां है? इतने सारे, अभी इनमें से डॉन कौन है? ओए छोड़ो करे। मुझे सेल्फी डॉन की सेल्फी चाहिए, और उससे पहले किसी ने कुछ भी हरकत की मैं उसे गोली मार दूंगा। अरे सर खत्म ही कर दो ना इस साले का टंटा। गुंजन, ओ भाइयों, ये सेंटी बातें बंद कर। हाँ, हम यहाँ से तेरी बहन को भेजेंगे और तू वहाँ से मेरी टुट्टू को भेज। हाँ हाँ, ए तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? जो भी डिसाइड करूंगा मैं करूंगा। तू मेरी बहन को वहां से भेज, मैं तेरी बहन को यहाँ से भेजता हूँ। अबे तो वही तो कह रहा था, ये डॉन है। अबे इसको तो सर्कस में होना चाहिए था, बच्चों का एंटरटेनमेंट। चल चल भेज भेज। हाँ। भेज। चल चल जाग जाओ अब। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। भाई मुझे नहीं लगता तेरी वाली पलटने वाली है। अरे नहीं पलटेगी यार। तुम्हें जैसा लग रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें पता है? अरे ओए, क्या कर रही है?
के बराती बन गए, लड्डू खिलवाता हूं तुम्हें। मैं किधर जाऊं? अरे अब तो हम एक दूसरे को खूब जानते पहचानते हैं, तो फिर शर्माना कैसा? हम तुम्हारी खूब प्यास बुझाएंगे। अयो क्या हुआ? कुछ नहीं रे। कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे तो फिर ऐसे कैसे हड़बड़ा के? ऐसी रे, कुछ नहीं, ऐसी हुआ। लेकिन हमारे यहाँ आज बहुत कुछ हुआ। ये लो खाओ खाओ। क्या है? हेमा का जन्मदिन था तो हम सब ने खूब मिलके जन्मदिन मनाया। पता है वहाँ सब अनपढ़ है लेकिन एक एक के पास प्यार बांटने की डिग्री है। प्यार बांटने का तो डिग्री तो है लेकिन कितना डिग्री में प्यार बांटते हैं वो प्रॉब्लम है। गलत जगह काम करने का ये मतलब नहीं है कि वो भी गलत है। तू बोलता था ना बार बार देखो लेट बबलू का लेडीज बार, देखो। देखा हमने हर एक लड़की को करीब से, उनकी उनकी जिंदगी को, उनके हालात को समझा है हमने। वहाँ वो उनकी मंजूरी में भी उनकी मजबूरी को महसूस किया है हमने। बेनी बात करते हो, वहाँ कोई जबरदस्ती किसी से पैसे नहीं मांगता है, सब अपनी मर्जी से उन्हें देते। बुराई वहाँ काम करने में नहीं है, बुराई लोगों की सड़ी सोच में। अरे वो खाली मैं, अरे तू तू भी ना, इतना क्या भड़कता रे तू? हाँ छोड़ो ना यार, इधर ऐसे कैसे बात कर देते हो? ये वो दिल का बॉटम ओ कोने से मैं सॉरी बोलता तेरे को मैं। ओके चाय पीगा? ग्लूकोज बिस्किट भी खाऊंगा। उंगली दिया तो हाथ भी पकड़ने का बबलू अन्ना। उनको गलत मत समझो। बबलू अन्ना ले आओ, अब खाओ, अब खाओ। सॉरी भाई, सॉरी। कभी कभी ऊपर जाने के लिए नीचे गिरना पड़ता है। हाँ। क्योंकि भाई सेल्फी डॉन है। हाँ। ला रे आ जाओ रे सब लोग। हाँ भाई। ये फर्स्ट फ्लोर वाले पीछे जाओ, ग्राउंड फ्लोर वाले आगे आओ। ये मुस्कुराओ ऐसे। हाँ कौन बोल रहा है? भाई बोल रहा हूँ। सेल्फी भाई। सेल्फी भाई। अच्छा सुन, तुझे अभी एक सेल्फी खिंचवा के भेजी है। अच्छा बैंक लूटने जा रहा हूँ, KPS बैंक। और तू ये पेशाब करना बंद कर, और तुझ में हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा। हा? अरे तुम्हें कैसे पता कि मैं पेशाब कर रहा हूँ? सेल्फी भाई का नाम सुनते ही लोगों का पेशाब छूट जाता है। फुरक। ये लो। नहीं सर, अपनी जेब में रखिए। अरे मिश्रा जी जल्दी निकलिए। अरे चलो 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 चलो, भागो भागो भागो। अरे मिश्रा जी ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? सर मिश्रा जी ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। सॉरी सर। सर डीजल भी नहीं डलवाया। डबल सॉरी सर। सर सरकारी पैसे में ऐश। ट्रिपल सॉरी सर। शिट, इन्हीं बेवकूफियों के कारण वो हमेशा मेरे हाथ से निकल जाता है। अरे भाई उसे पकड़ेंगे कैसे? अरे सर इतने इमोशनल काहे हो रहे हैं, हमारे पास एक आइडिया है ना। क्या? कान लाइए। हेलो डॉक्टर। हेलो जी, की हाल है भाई? अट्टी में खा ले, बस आपसे पूछना एक सवाल है। पूछू? हाँ हाँ पूछो पूछो। ये क्या कड़िया भी हो तुम? वो जी पार्ट टाइम करता हूँ ना जी, जो बना रहा हूँ ना दवा खाना। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है, पूछना ये है
कि आप बगैर फीस लिए वहाँ से भाग क्यों लिए? प्लीज सच सच बताइए प्लीज। वो बताया तो था, अब वो साबित भी करूं क्या? डॉक्टर सच बोलिए। डॉक्टर ये क्या है? वो चाबी है जी। ये मेरी टैक्सी की चाबी है, और ये चाबी जब मैं उसके इग्निशन में घुसेड़ता हूँ ना, तो और घुमाता हूँ तो 1000 किलो की गाड़ी जो है वो धड़धड़ा के स्टार्ट हो जाती है। अब ये चाबी जब मैं तुम्हारे घुसेड़ूंगा ना, तो तुम कितना धड़धड़ाओगे? कितना बज रहे तुम्हारा? अरे मुंह क्यों खोल रहे हो? मुंह की बात नहीं कर रहे ला हूँ। ओ नहीं नहीं, बताता हूँ। दरअसल बात ये है ना जी, वो बुड्ढा अपने घर से लापता है। ये देखो पेपर में आया है, देखो। उसे घर पहुंचाने वाले को अच्छा खासा इनाम मिलेगा। फोन मारो इस नंबर, फोन मारो। हाँ, लेकिन इनाम में 50% हमारा रहेगा। हाँ, तुम्हारा 50% रहेगा, तो हमारा तो 100% होना चाहिए। वो बुड्ढा हमारी टैक्सी से टकराया था। हाँ, और तो 45% कर दे। देखो डॉक्टर, तुम हमें जानते नहीं हो, बहुत नंबरकारी आदमी हूँ। 3-8-9 में बैठना उठना है मेरा। 3-8-9 का मतलब? खराब। 3-8-9 मुंबई पिन कोड नंबर, भाईकला, नागपाड़ा, भिंडी बाजार और डोंगरी, माहिम दरगाह गली, बांद्रा, बहराम पाड़ा, सांता क्रूज खार, गोली बार। तो 40% तो देगा ना? अंधेरी डोंगर मार्केट, जोगेश्वरी ईस्ट वेस्ट, बहराम बाग से लेकर अमृत नगर। कमाल है भाई, दवा खाना बहुत खर्चा हो गया है, नया बनाया है, 35% तो कर दे। मलाड, मालवानी, मीरा रोड, नया नगर। और 30% पिन कोड बंद कर फारूक, कहीं हार्ट अटैक से मरना जाए, पहले बुड्ढा अब ये। चलो के 25% ओके।